वेलकम बैक टू माय चैनल विशाल गुप्ता, आपका टीचर। स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब? इस वीडियो में आज मैं आपको कराऊंगा कंपनी अकाउंट में जो शेयर कैपिटल वाला हमारा चैप्टर चल रहा है उसका सॉल्यूशन कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 24 का फ्रॉम द बुक ऑफ टीएस गरेवाल। जैसा कि आपको पता है कि हम इसी बुक को फॉलो कर रहे हैं। ओके जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन की रीडिंग को। अमित लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख इन शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एंड issued 20,000 such shares at a premium of rupees 2, payable 2 on application, 5 on allotment including premium and rupees 2 per share on first and final call, on first call made after 3 months later. All the money was payable on application and allotment was duly received. वो कह रहा है कि application और allotment के सारे पैसे आ गए हैं, but when first call was made, जब पहली call made की गई, one shareholder paid the entire balance. Mind it, ध्यान से सुनिए, one shareholder paid the entire balance on his holding of 300 shares. उसने अपने सारे पैसे first call पे ही पेड़ दिए, अगली call के भी. And another shareholder holding 1000 shares failed to pay first call money. और first call money उसे नहीं थी, ठीक है जी? तो यहाँ पे situation क्या arise होती है? सबसे पहले हमें 10 रुपए का हिसाब किताब बनाते हैं। और क्वेश्चन की एक लाइन जो लास्ट लाइन है वो मैं आपको पढ़ देता हूं। वो कह रहा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ठीक है, टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन एंड शो हाउ दे विल अपीयर इन द बैलेंस शीट, ठीक है, कंपनीज बैलेंस शीट। बेटा इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको हर बार बताता हूं, सबसे पहले आपको 10 रुपए का हिसाब बनाना है। एप्लीकेशन कितने रुपए की आपकी बच्चे? 2 रुपए की एप्लीकेशन, 2 रुपए की। और अलॉटमेंट कितने की है? 3 प्लस 2, राइट। और फर्स्ट कॉल कितने की है? फर्स्ट कॉल है आपकी 2 रुपए की, ठीक है। फर्स्ट कॉल कितने की है? 2 रुपए की। और हमें सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं बताया, सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं बताया, हमें बैक कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये कैसे बैक कैलकुलेट करेंगे? 2, 3, 5, 6, 7 और ये 3 रुपए की बन गई। ये कितने की बन जाएगी? 3 रुपए की। हमें बताया नहीं, लेकिन हमें 10 रुपए पूरे कर रहे हैं और उसने खुद हमें बताया कि 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे है, ठीक है, राइट। हो ये 10 रुपए समझ लगी। और हमारे पास जो शेयर इशू करने वाले हैं गाइस वो कितने हैं? वो जो शेयर इशू करने वाले हैं वो है 20,000। वो कितने के हैं? 20,000। तो इसका मतलब जो भी हमें मल्टीप्लाई करना है वो किसे करना है? 20,000। पहले हम इस वर्किंग को अंडरस्टैंड करेंगे, सबसे ज्यादा दिक्कत इस एंट्री में हमें होने वाली। मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट्स को इन दो एंट्रीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतना तो आप परफेक्ट हो चुके हो, बट अब बात है फर्स्ट कॉल में सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। फर्स्ट कॉल के वक्त क्या हुआ है? ड्यूरिंग फर्स्ट कॉल एक शेयर होल्डर आपका कौन है? एक शेयर होल्डर है आपके पास जिसके 300 शेयर है, ठीक है। वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस ऑफ हिज होल्डिंग 300 शेयर। तो 300 शेयर वाले ने अपने जो बैलेंस अमाउंट है, ये दो क्यों लिखा है? 5 5 10 10 प्लस 2 यहां लिखा था, ठीक है। ये इसने 3 रुपए ये एडवांस में पे कर दी, तो 900 रुपया मेरे पास क्या गया? एडवांस में 900 रुपये आ गया। ये फर्स्ट कॉल के वक्त क्या है? ये चीज है कॉल्स इन एडवांस। ये क्या चीज है? कॉल्स इन एडवांस, राइट गाइस। और उसके बाद इसी कॉल पे एक व्यक्ति है जिसके पास 1000 शेयर है और वो कितने हैं? 2 रुपए के हिसाब से, 2 रुपए के हिसाब से कितने बने उसके? 2000। तो ये क्या बन गया आपका? कॉल्स इन एरियल। ये क्या बन गया? कॉल्स इन एरियल। पर ये दोनों चीजें एक ही कॉल में आएंगी। पहले हम इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें, इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें। एप्लीकेशन कितने की है? 2 रुपए की। अलॉटमेंट कितने की है? 3 प्लस 2 की। फर्स्ट कॉल कितने की है? 2 की। सेकंड एंड फाइनल कितने की है? 1 की। तो 10 जमा 2 बन गया। टोटल शेयर्स हमारे पास कितने हैं? 20,000 के, राइट गाइस, ठीक है। फर्स्ट कॉल के वक्त क्या हुआ? 300 शेयर वाले ने अपना इंटायर बैलेंस, तो उसके बाद फर्स्ट कॉल के बाद इंटायर बैलेंस बचा ही 3 रुपए है। तो 3 रुपए हमने क्या किया? उसका 900 रुपए कॉल से एडवांस में आ गए, और 1000 रुपए किसी और शेयर होल्डर के, 20,000 में से किसी और एक अन्य शेयर होल्डर के 1000 के 2 रुपए नहीं आए, कॉजिनेरिंग में चला गया, ठीक है गाइस, यहां तक समझ में आ गया। अब आप अगर चाहो तो मैं आपको इसी स्टेज पे बैलेंस शीट का आंसर भी मिला के दे सकता हूं। ये देखो 20,000 टोटल शेयर कितने गाइस? 20,000। 20,000 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 12 से तो ये कितना बन जाता है? 12 गुना 24 2 लाख 24,000, 2 लाख 40,000 ये बन जाता, ठीक है जी। ये बन गया आपका पूरा पैसा फर्स्ट कॉल का की लेना ना हमने। फर्स्ट कॉल का कितने बने? 2, 3, 5 और 7, 7 बन गया। ये बन गया 1,40,000। ये कितना बन गया? 1,40,000।
40,000 और इसमें दो ये कैपिटल का पैसा है, ये कैपिटल का पैसा आपको फर्स्ट कॉल का, ये प्रीमियम का पैसा, ये दो रुपए भी आ गए, कितने आ गए 40,000, ये आ गया 180,000, राइट हो, ये कितना आ गया बच्चे 180,000 ये आ गया, और इसमें 900 पे आपको और आया और ये 2000 आपको नहीं आया, तो इसका गाइस टोटल करके देखिए जरा क्या बनता है, ठीक है, 180,000 में से 2000 आपका नहीं आया और 900 पे आपका एक्सेस आया 178,900 इज योर आंसर। अब बैलेंस शीट मिला लीजिए, इतने पैसे आने चाहिए। अब इसके बाद क्या रह गया, इसके बाद तो सर सिर्फ इसको सजाना ही रह गया ना, फॉर्मेट में डाला रह गया ना, जर्नल के और बैलेंस शीट के, राइट गाइस, नजर आ रहा है आपको पूरा, तो ये कर लीजिए, ये देखिए 180,000 प्लस 900 माइनस 2000, तो ये हमने काम को पूरा कर लिया, यही पे हमारा क्वेश्चन एक तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब सिर्फ फॉर्मेट में एंट्रीज ही डालनी रह जाए, तो राइट गाइस, हैव यू नोटेड इट डाउन? स्टूडेंट्स, आप टेक्नोलॉजी के समय में काम कर रहे हो, आप वीडियो को स्लो करके पॉज करके अपने नोट्स पूरे कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे इसकी एंट्रीज की। अब एंट्रीज को करना बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि हमने वो फाइनल फिगर तक तो हम पहुंच ही गए हैं, ठीक है जी, और इससे क्या हमारा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि जो हम वर्किंग कर रहे हैं वो ठीक वर्किंग हो रही है, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो इट ऑल्सो इंक्रीज आवर कॉन्फिडेंस। तो चलिए अब हम बनाते हैं जर्नल का फॉर्मेट। तो जर्नल के फॉर्मेट के लिए आपको यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये लिखिए जर्नल, ओके जी। तो यहाँ पे जर्नल की बेसिक एंट्रीज है जो हम करते जाते हैं, ठीक है, इसमें ज्यादा देर नहीं लगानी हमने, आई गेस कि जितनी देर में मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ आप भी मेरे साथ ड्रॉ करके इसको बनाते जाइए, ये सीरियल नंबर डाल लीजिए अगर डेट नहीं है तो, पर्टिकुलर्स, राइट हो, पर्टिकुलर्स, ओके, लेजर फोलियो, डेबिट, रुपीज, क्रेडिट, रुपीज, ठीक है, जो फर्स्ट में आएगा, बैंक अकाउंट, डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है जी, और वो कितने की है 20,000 × 3 की, वो कितने की है शेयर, कितने हमारे पास 24 क्वेश्चन में 20,000, ठीक है जी, 20,000 × 2 करके ही पैसे आए ना, तो यहां लिख लो 20,000 × 2, तो ये आ गया 40,000, राइट गाइस, ये 40,000 की ये एंट्री आ गई आपके पास, ओके जी, ठीक है, तो ये एंट्री आ गई बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, राइट गाइस, ये चलो एंट्री करो आप। इसके बाद हमें नेक्स्ट एंट्री किसकी करनी है, सेकंड एंट्री करनी है, इसको शेयर कैपिटल में पैसा डाल दें, ठीक है, दूसरा आएगा बैंक शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, ठीक है जी, तो ये एंट्री करो जरा, ठीक है, इसको कोई करना मुश्किल नहीं है, ठीक है, आपको बहुत इजीली समझ आ रही है ये चीज, तो ओके, तो अब इसकी एंट्री को हम पूरा कर लेंगे, कैसे, इसको शेयर कैपिटल लिखते हैं, ठीक है जी, तो उसके बाद प्रीमियम वाला अलॉटमेंट वाली एंट्री भी हम कर लेंगे, चलो ये आ गया शेयर कैपिटल, इसमें 40,000 यहाँ पे आ जाएगा, ये 40,000 यहाँ पे आ गया इसका, ठीक है जी, शेयर कैपिटल अकाउंट में, ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एंट्री किसकी है, नेक्स्ट एंट्री किसकी आ रही है, अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, तो अब यहाँ कितना 20,000 × 5 करके आया, 20,000 × 5 करके यहाँ तो आएगा आपका 1,00,000 रुपया, यहाँ तो 1,00,000 रुपया आ गया, और 20,000 × 3 करके 60,000 कैपिटल का पैसा और 40,000 रुपया प्रीमियम का पैसा आ जाएगा, 40,000 किसका पैसा आ जाएगा, प्रीमियम का, तो आ जाएगा बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी बिकम्स ड्यू, राइट गाइस, चलो उसके बाद चौथा एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट, क्योंकि यहाँ तक कोई कॉल्स इन एरियर की बात ही नहीं है, सारे पैसे ड्यूली रिसीव्ड हैं, टू शेयर अलॉटमेंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड,
कितने का? 1 लाख का। ये सारा पैसा आ गया बच्चे, चलो ठीक है, राइट गाइस, समझ लगी? चलो अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है। हाँ, मेन चीज है क्लेश तो वहीं से शुरू हो रहा है, दिक्कत भी यहीं से आती है बच्चों को, एंट्री कैसे करेंगे, लेकिन उसको मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे हम उसको, ठीक है, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा, बस थोड़ा पेशेंसली आपको इसको कंटिन्यूटी में करते जाना है, क्योंकि बहुत सारा कुछ बैलेंस शीट है, जर्नल है, एक साथ आपको सारा कुछ बनाना है, ठीक है, क्योंकि उसने जब बैलेंस शीट बनाने को कहा है तो बैंक अकाउंट भी हमें बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट में, हमारी वर्किंग को चेक करने के लिए, राइट गाइस। तो चलिए अब मैं इसको जर्नल को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है जी, वो चार एंट्री होंगी थी, ये फिफ्थ एंट्री, फिफ्थ एंट्री में क्या आएगा यहाँ पे गाइस, फर्स्ट कॉल हम ड्यू करेंगे फिफ्थ एंट्री में, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, राइट गाइस। तो 20,000 का कितने रुपए से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉल का, 2 रुपए के हिसाब से, फर्स्ट कॉल कितने की है, 2 रुपए की है, यस 2 रुपए की है, तो अगेन 40,000 यहाँ पे आ गया, ये 40,000 का 40,000 पे आ गया। अब अगली एंट्री जो मैं करने जा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से लिखिए, थोड़ा ऊपर लिखा रहे ना, यहाँ कर लेते 40,000, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आ जाएगा बीइंग फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल बिकम्स ड्यू, बिकम्स ड्यू, राइट गाइस। अब क्या करेंगे नेक्स्ट एंट्री में, 6 में यहाँ आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, ध्यान से सुनिए, पैसा बैंक में आएगा ही आएगा, साथ में यहाँ क्या आएगा, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट, क्योंकि कुछ पैसा आया भी नहीं है, और यहाँ आएगा टू शेयर फर्स्ट एंड सॉरी फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, ठीक है जी। और देखो फर्स्ट कॉल का पैसा कितना है, 40,000, ये 40,000 हम यहाँ लिखेंगे, और कॉल्स इन एडवांस की वर्किंग करी थी वो 200 रुपया था, कॉल्स इन एरियर कितना आ गया 1,000 रुपये का, उन इसमें से आ गया 39,900 आ गया पैसा इसको, 38,900, ठीक है जी। कॉल्स इन एरियर कितने का, 2,000 रुपये का, 2,000, ठीक है जी। कॉल्स इन एरियर हमारा 2,000 का, 1,000 शेयर के पैसे थे ना, तो ये आ गया 38,900 आ गया, तो ये आपका जर्नल की एंट्री। तो यहाँ पे लिखो बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, ठीक है गाइस, समझ लगी आपको। अब बात ये है, हमने उसने हमें बैलेंस शीट बनाने को कहा, अब एक बार जर्नल एंट्रीज लिखिए, उसने हमें बैलेंस शीट बनाने को कहा, बैलेंस शीट तो हम बेटा हम बना लेंगे, शेयर कैपिटल का पोर्शन तो आपको अच्छी तरह पता है कि किस तरीके से निपटाना है इसको, बट नीचे हमारे पास जो एसेट वाली साइड है उसमें बैंक अकाउंट चाहिए, तो उसका भी तो क्रॉस चेक करना ना, यहाँ से आंसर देख के तो ये कहना बहुत आसान है शेयर कैपिटल का कि हमारा पोर्शन मिल गया, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली आप कैसे करोगे, हमें डबल एंट्री कर रहे हैं ना, सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो हमें बैंक अकाउंट भी तो साथ के साथ मिला के देखना है, अदरवाइज कैसे करेंगे। तो अगर आपने ये एंट्री नोट कर ली है तो मैं अब आपको बताता हूँ कि पहले बैंक अकाउंट भी मिलाना पड़ेगा, शेयर कैपिटल का हिसाब तो हमने पहले जब शुरू किया था इस क्वेश्चन को उसकी वर्किंग के साथ मैंने मिला ही दिया था, ठीक है, तो अब वो पैसा भी हमें यहाँ पे मिलाना है, ओके। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि उसको कैसे टैली करना है बैंक अकाउंट को, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है, बस मैं आपको फिर कह रहा हूँ कंसिस्टेंसली और पेशेंटली आप इसको लगे रहेंगे तो आप बहुत जल्दी इसको सीख जाएंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए गाइस, बैंक अकाउंट बता लो, क्योंकि उसमें कैश तो कहाँ नहीं बनाने को ना, बैंक अकाउंट में यहाँ पे सिंपल सा टी शेप में हम बना लेते हैं, वर्किंग नोट का ही पार्ट है, अब तो फिगर्स और आइटम्स आपको याद होने लगी होंगी, ये टू शेयर एप्लीकेशन का पैसा, टू शेयर अलॉटमेंट का पैसा और टू शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा, ठीक है जी। यहाँ कितना आया था एप्लीकेशन के वक्त, 40,000 रुपया, राइट हो, और अलॉटमेंट के वक्त कितना आया था, 1,00,000 रुपया, और फर्स्ट कॉल के वक्त कितना आया था, 38,900, तो इसको मिला दो तो कितना बन गया, 1,78,900, तो यही बैलेंस शीट का आंसर नहीं है, यस ये तुम्हारा बैलेंस शीट का आंसर है। छोटी सी एक वर्किंग से साइकोलॉजिकली हमें एडवांटेज मिल जाता है कि हमारा सारा काम ठीक है, बैलेंस कैरी ऑन 1,78,900 बैलेंस शीट का
सॉरी बैंक का ये टोटल आ गया, अब हम बनाएंगे लास्ट में बैलेंस शीट, ठीक है जी। तो अब बैलेंस शीट बनाने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बैलेंस शीट में आपको बना के देंगे, ठीक है जी। ये समझ लग गया आपको, चलिए चलिए अब हम बैलेंस शीट के लिए, मैं यहाँ पे पार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, बैलेंस शीट में इधर पे दिखा दूंगा और नोट्स को अकाउंट यहाँ दिखा दूंगा, थोड़ा सा मेरे पास स्पेस की कंस्ट्रेंट है तो प्लीज बेयर विद मी, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरे आराम से समझ आ जाए। तो यहाँ पे हमें बनाना है बैलेंस शीट, ठीक है जी। ये बैलेंस शीट है, ये हमारा अमाउंट का कॉलम आ जाएगा, यहाँ नोट नंबर, यहाँ नोट नंबर, यहाँ पहले में क्या आएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है जी। ये इक्विटीज एंड लायबिलिटी, यहाँ आ गया शेयर होल्डर फंड, यहाँ क्या आ गया शेयर होल्डर फंड, ठीक है जी। उसके बाद क्या आएगा शेयर कैपिटल, यहाँ क्या आएगा शेयर कैपिटल, राइट गाइस। और उसके बाद बी में क्या आएगा, बोलो बच्चे, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर अगर आप लिखना चाहो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आ जाएगा, ठीक है जी। ये दो चीजें हैं, ओके। तो उसके बाद ये हमारी बैलेंस शीट की ये साइड टैली हो जाएगी टोटल करके। दूसरी साइड में आ जाओ, ये लिखोगे एसेट्स, एसेट्स में और तो हमें कुछ गिवन नहीं है, एनसीए ब्लैंक रह जाएगा, और यहाँ सीए के अंडर कौन सा हेड आ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और उसके अंडर क्या आता है बैंक, उसके अंदर क्या आएगा बैंक अकाउंट आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट यहाँ पे नोट नंबर ये 1 है, ये 2 है, ये नोट नंबर 3 बन जाएगा, और ये हमारा टोटल बैलेंस शीट का टैली हो जाएगा, ठीक है जी। अब आ जाओ दूसरे पेज पे, यहाँ पे हमें बनाना है नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में हमें गाइस क्या करना है, यहाँ पे अमाउंट लिख लेंगे, यहाँ पे पहले नोट अकाउंट बनाते हैं शेयर कैपिटल का, गाइस ठीक है। शेयर कैपिटल का अकाउंट कैसे बनाना, नोट कैसे बनाना मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पहले आएगा ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल कितने की है इस कंपनी की, ऑथोराइज कैपिटल है तो वो है 50,000 की, ये कितने की है 50,000 की, एट द रेट ऑफ रुपीज 10, तो ये कितने की बनगी 5,00,000 की, ये कितने की बनगी गाइस 5,00,000 की, और इन्होंने इशू भी कितने करे सिर्फ 20,000। दूसरा क्या आएगा इशूड कैपिटल, दूसरा क्या आएगा इशूड कैपिटल, तो इशूड कैपिटल में कितना है 20,000 एट द रेट ऑफ रुपीज 10, तो ये कितना आ गया 2,00,000 रुपया, ये कितना आ गया 2,00,000 रुपया, ठीक है गाइस। और तीसरा है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल राइट जी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में हमारे पास याद रखिए 1,000 शेयर के पैसे नहीं आए थे, तो इसका दो कैटेगरियां बनेंगी, एक फुली पेड, फुली पेड में कैसे आएगा, फुली पेड में गाइस जो आएगा 19,000 एट द रेट ऑफ रुपीज 10, तो कितना आ गया 1,90,000 ये आ जाएगा, ठीक है जी। दूसरा नॉट फुली पेड, नॉट फुली पेड, ठीक है जी, ये 1,000 एट द रेट ऑफ रुपीज 10 करके कितना आया 10,000, और उसमें कॉल्स इन एरियर कितने हैं लेस कॉल्स इन एरियर, सॉरी ये 7 रुपए ही आएंगे इधर, ये 10 नहीं है 7 रुपए, क्योंकि 7 रुपए ही आए ना, ठीक है। तो सारा नॉट फुली पेड में ही जाएगा, ठीक है, ये सारा नॉट फुली पेड में ही जाएगा, ये इसका हिसाब तो अलग से आ गया, 19,000 का अलग से लिखने की जरूरत नहीं है आपको, नॉट फुली पेड में ही आएगा ना, क्योंकि 10 रुपए नहीं आए पूरे, इसको हमें अलग से दिखा देते हैं, ये आपका आ गया नॉट फुली पेड के अंदर ही आएगा, क्योंकि पूरे पैसे नहीं आए, ये आ गया 20,000 एट द रेट ऑफ रुपीज 7, ये आया ना, तो 20,000 इंटू 7 करके ये कितना आ गया 1,40,000, 1,40,000, तो इसमें अब लेस करेंगे कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, तो कॉल्स इन एरियर कितना है 1,000 इंटू एट द रेट ऑफ रुपीज 2, ये कितना आ गया 2,000 का, तो ये कितना बन गया 1,38,000 का, 1,38,000, ठीक है जी। तो ये फिगर हमारी यहाँ पे आ जाएगी 1,38,000 की सब्सक्राइब कैपिटल, तो यहाँ से मेरे को सब्सक्राइब कैपिटल की फिगर मिल गई 1,38,000, और उसके बाद इसमें हमें क्या करना है, एक चीज और है वो है कॉज इन एरियर, तो यहाँ पे कॉज इन एरियर भी हमें एडवांस भी लेना पड़ेगा इसमें करंट एसेट्स के अंदर, ठीक है जी। ये ए तो ये आ गया, और दूसरा कॉज इन एडवांस, इसको थोड़ा सा स्पेस मेरे को चाहिए, मैं इसको दोबारा इरेज कर देता हूँ, यहाँ आ जाएगा
बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक आ जाएगा और कॉज इन एडवांस भी आ जाएगा। ठीक है जी, ये तीन नंबर और ये चार नंबर, ये 1,30,000 यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है गाइस, कॉज इन एडवांस यहाँ कॉल करंट लाइबिलिटी में है, तो यहाँ पे आ जाएगा करंट लाइबिलिटी के अंदर सीएल के अंदर आएगा कॉज इन एडवांस, और वो हमारे पास कितना है 200 रुपए का। ये तीन नंबर ये और चार नंबर ये आ जाएगा। तीन नंबर इसको यहाँ पे दिखा दो, दो में हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिखाना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वो तो हमारे पास कितना था, वो कितना हमारे पास 40,000 था, वो तो एक ही फिगर है, वो 40,000 की फिगर यहाँ आ जाएगी। ठीक है जी, और तीसरा क्या दिखाना था हमें, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस यहाँ पे आ जाएगा, कॉल्स इन एडवांस कहाँ पे आ जाएगा 900 रुपए का यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये बन गया आपका 178,900। उसके बाद चौथी फिगर हम कहाँ से लेंगे, इसके नोट नंबर की, नोट अकाउंट की, बैंक की, जो कि हमने वहां बनाया था, तो ये बन गया आपका 178,900। वो तो जो बैंक अकाउंट हमने बनाया हम वहां से ले लेंगे 178,900। तो स्टूडेंट ये रहा सारा आंसर। तो इसमें एक चीज आपने जो नहीं देखी है वो ये आया है आपको बैलेंस शीट में कॉल्स इन एडवांस, मैं इसको थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ, कॉल्स इन एडवांस ये आपके लिए नई चीज है, ये आएगा करंट लायबिलिटी के अंदर। ठीक है जी, शेयर होल्डर फंड है ना, उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी होता है हेड, और तीसरा हेड होता है करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा ये कॉल्स इन एडवांस, उसको शेयर कैपिटल में ऐड नहीं करना आपने, ना ही लेस करना उसमें से, उसका ट्रीटमेंट वहां नहीं होता, उसका ट्रीटमेंट कहां जाएगा आपका करंट लायबिलिटी के अंदर। इस तरीके से ये पूरी आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी। तो गाइस आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा, आप एक बार इसको दोबारा खुद करके देखिए। ठीक है जी, उसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है तो अपनी क्वेरी मेरे को कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका सूटेबल रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।